हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल पॉलीमर्स में स्टार्च, जिसका दूसरा नाम है अमाइलम, बिकॉज ऑफ इट्स टू पॉलीमर यूनिट्स अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। और ये आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन ग्रीन प्लांट्स। इसका मेन बेसिक यूज़ क्या है, एज अ कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन ग्रीन प्लांट। और अगर एनिमल्स की हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन एनिमल्स इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अमाइलोज की बात करें तो अमाइलोज क्या है, आपके नॉन ब्रांचिंग हेलिकल पॉलीमर ऑफ अल्फा 1,4 लिंक्ड डी ग्लूकोज मोनोमर। तो इसमें अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट यूज़ होगी। अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब है द ओ एच ओरिएंटेशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द बीटा वन, एंड 1,4 लिंकेज का मतलब है द फर्स्ट कार्बन इज लिंक्ड टू द फोर्थ कार्बन ऑफ अनदर यूनिट, और दिस इज द बेसिक मोनोमर यूनिट ऑफ अमाइलोज। नेक्स्ट कमिंग अपॉन अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोपैक्टिन क्या है, आपका हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ बोथ अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंक डी ग्लूकोज मोनोमर्स। तो इसमें आपको दो लिंकेज देखने को मिलेगी, एक तो अल्फा 1,4 और दूसरी है अल्फा 1,6। अगर आप नंबरिंग करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो दिस इज़ द सिक्स्थ कार्बन। यहाँ पे आपका सिक्स्थ कार्बन है और यहाँ पे आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा बिटवीन द फर्स्ट एंड द सिक्स्थ कार्बन, और यहाँ पे है आपका फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। ये क्या है, आपका हाईली ब्रांच्ड का मतलब है ये आपका वही 3D नेटवर्क बनाएगा, और इट कैन बी इसका जो इसकी फिर डेंसिटी कैसी हो जाएगी, इट इज़ ऑफ लो डेंसिटी बिकॉज ऑफ 3D स्ट्रक्चर, हाईली ब्रांच्ड है और ये आपका हाई डेंसिटी वाला बिकॉज ऑफ लीनियर चेंज। ईजिली पैकेजिंग हो जाएगा इसका, ईजिली आपका इसका पैकेजिंग होगा, पैकिंग होगा, और उसका हाई डेंसिटी रहेगा। इसका लो डेंसिटी एंड ऑफ बिकॉज ऑफ हाई ब्रांचिंग। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसका है यूजेस, नॉट सूटेबल फॉर ड्रग डिलीवरी सिस्टम ड्यू टू सब्सटेंशियल स्वेलिंग एंड रैपिड एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। तो अगर हम बात करें कि ये क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज है स्टार्च, तो इसीलिए इसको हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। आपका कोई भी स्टोरेज होगा तो वो स्टोरेज आपका उसी फॉर्म में होगा ताकि वो इजीली डिग्रेड हो सके। तो स्टार्च कैन नॉट बी यूज बिकॉज ऑफ दीज टू प्रॉब्लम्स, एक तो ये स्वेल हो जाता है और रैपिड एंजाइम्स इस पर अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैलेक्टोमैनन्स। गैलेक्टोमैनन्स की प्रॉपर्टी है हाइड्रोकोलॉइडल पॉलीसेक्राइड है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये कोलॉइड बनाता है और प्लस हाइड्रो मतलब वाटर सॉल्युबल, हाइड्रोकोलॉइडल पॉलीसेक्राइड। अब इसमें लिंकेज की बात करें तो बीटा 1,4 लिंक डी मैनोज एंड डी ग्लूकोज मोनोमर्स विद एसिटाइल साइड ब्रांचेस। बीटा 1,4 लिंक्ड, इसमें 1,4 लिंक्ड कौन सा है, एक तो बीटा कौन सा वाला, डी मैनोज एंड डी ग्लूकोज का मोनोमर। इसमें नोट आपका मेजर पॉइंट है, मैनोज क्या है, आपका C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, ये आपका एपीमर है ग्लूकोज का। दिस मीन्स कि स्ट्रक्चर सेम होगा बट जो कार्बन, जो सेकेंड कार्बन है उस पे जो आपका ओरिएंटेशन होगा इट विल बी अपोजिट। तो ये आपका ग्लूकोज का सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस जस्ट आपको कार्बन, जो सेकेंड कार्बन है उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाएगी। और बीटा 1,4 लिंक्ड आपका 1,4 लिंकेज ही रहेगा, डी मैनोज और डी ग्लूकोज के अल्टरनेट यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे। और विद एसिटाइल साइड ब्रांचेस, अब जो एसिटाइल ग्रुप है आपका वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, सॉल्युबिलिटी टू द पॉलीमर। तो एसिटाइल ग्रुप प्रोवाइड सॉल्युबिलिटी टू द पॉलीमर, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबल नेचुरल पॉलीसेक्राइड विद हाईएस्ट विस्कोसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये आपका वाटर सॉल्युबल है, वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है और हाईली विस्कस है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखना है आपको, अबंडेंटली फाउंड इन सॉफ्ट वुड्स। अब जहाँ जहाँ अब ये सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं तो प्लांट में ये कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, जहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म होगा, जैसे कि आपका सॉफ्ट वुड हैं, रूट्स हैं, ट्यूबर्स हैं या प्लांट बल्ब्स हैं, जहाँ पे हमें वाटर का असेंशियल यूज़ हमें देखने को मिलता है उसको हम, वहाँ पे हमारा ये गैलेक्टोमैनन्स की अबंडेंस ज़्यादा होगी। इफ़ेक्टिव एक्सपोनेंट इन कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस, टैबलेट्स आर प्रिपेयर्ड ऑफ दिस पॉलीमर। तो ये इसकी मेजर एप्लीकेशन है, ये कहाँ यूज़ होता है, एक तो ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस में और टैबलेट्स की प्रिपरेशन में। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से,
ये आपका सिंपल ग्लूकोज की यूनिट है, ये आपका ग्लूकोज की यूनिट है, और यहाँ पे एक ग्रुप को हमने OH को हमने रिप्लेस कर दिया है बाय द एसिटाइल ग्रुप। ये जो आपकी फॉर्म है ये आपका मैनन है, डी मैनन यूनिट। इसका आप OH देख सकते हो, OH आपका सेम साइड पर है। कार्बन टू, दिस इज द कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, दिस इज़ द सेकेंड कार्बन, और सेकेंड कार्बन पर जो OH की ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है। तो सेकेंड का तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज़ द एपीमर, सी टू एपीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ये आपका डी मैनन की हो गई, और ये भी आपका डी मैनन की यूनिट है। तो यहाँ पे भी 1,4 लिंकेज, यहाँ पे भी 1,4 लिंकेज, और यहाँ पे भी आपका 1,4 लिंकेज। दिस इज़ द होल यूनिट ऑफ गैलेक्टोमैनन्स। तो ये आपका पूरा यूनिट क्या बोला जाएगा, मोनोमर यूनिट ऑफ गैलेक्टोमैनन। नेक्स्ट कमिंग अपॉन एल्जेनिक एसिड। एल्जेनिक एसिड आपका क्या है, एनिमल ऑरिजिन पॉलीमर है, ये एनिमल्स में पाया जाता है, फाउंड इन ब्राउन सीवीड्स एंड मरीन एल्गी। तो ये आपका बेसिक जो सेल वॉल होती है एल्गी की या ब्राउन सीवीड की, वो ब्राउन सीवीड की बात करें या फिर हम एल्गी की बात करें, तो उस केस में जो उनकी सेल वॉल है वो आपका एल्जेनिक एसिड से बनी रहती है। एनायनिक पॉलीसेकेराइड है ये, लीनियर अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, वन डायमेंशनल चलेगा, और इसके हाईली पैकेजिंग की वजह से ये हाई डेंसिटी पॉलीमर कहलाएंगे। इसमें दो डिफरेंट मोनोमर्स आपके यूज़ होते हैं, आपका है बीटा डी मैन्यूरोनिक एसिड एंड बीटा एल ग्लूरोनिक एसिड। तो ग्लूरोनिक एसिड जो है वो आपका मैन्यूरोनिक एसिड का ही एपीमर है, दैट इज़ C5 एपीमर। जो C5 एपीमर है उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी, बट स्ट्रक्चर दोनों का सेम रहेगा। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगा, ये आपका लीवो रोटेटरी, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी का मतलब क्या है, आपका वही ऑप्टिकली एक्टिव जो लाइट है उसको उसका ये जो ओरिएंटेशन होगा एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ। तो दैट्स व्हाई दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। अब इसमें लिंकेज कैसा है, अल्फा और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यूज्ड एज स्टेबलाइजर्स इन इमल्शन, सस्पेंडिंग एजेंट्स, टैबलेट बाइंडर्स एंड टैबलेट्स डिसइंटीग्रेंट। तो ये सारे पॉलीमर्स आपने देखा होगा जनरली कहाँ पर यूज़ होते हैं, एज स्टेबलाइजर्स की तरह से, टैबलेट बाइंडर्स की तरह से, जो टैबलेट को बाइंड कर सके अच्छे से, सस्पेंडिंग एजेंट की तरीके से। ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको, स्टेबलाइजर्स का क्या यूज़ है इमल्शन में, और टैबलेट डिसइंटीग्रेंट्स। तो दिस इज़ द बेसिक, इसका ये स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए, डी मैन्यूरोनिक एसिड और एल ग्लूरोनिक एसिड। इसमें आपका एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है, दो OH के ग्रुप लगे हुए हैं, और ये वाला जो ग्रुप है वो बिल्कुल आपका अपोजिट है इससे, आपका एसिड का ग्रुप सिंपल नीचे आ गया, OH ऊपर आ गए। तो आप देख सकते हो दीज बोथ द स्ट्रक्चर्स आर सेम, बट इसका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो डी मैन्यूरोनिक एसिड एंड एल ग्लूरोनिक एसिड। तो ये पूरा आपका क्या बनता है, आपका एल्जेनिक एसिड। ओके,